हाँ स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम लोग ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से SCF क्वेश्चन निकालते हैं, उसको देखेंगे। तो कुछ तीन क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो पहला क्वेश्चन है 135 एंड 255, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 255। तो यानी कि 135 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको? 255 को। तो जो डिवाइड का प्रोसेस है वो हम साइड में लिखेंगे। तो 255 को जब डिवाइड करेंगे 135 से, तो 1 जाएगा को आए क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा 120। अब इस पहले स्टेप को हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से, कॉन्सेप्ट से लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सी। तो ए कितना है? 255। बी 135 है, क्यू 1 आया है और रिमाइंडर आया है 120। अब फिर स्टेप टू में 120 से डिवाइड करना है 135 को, तो 1 क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 15। तो फिर हम दूसरे स्टेप को लिखेंगे 135 इंटू 120 इंटू 1 प्लस 15। अब फिर 15 से डिवाइड करेंगे इसको 120 को, फिर इस स्टेप को लिखेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहा है? 0 आ रहा है। तो किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया है? 15 से। तो दोनों का SCF क्या होगा? 15 होगा। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। बहुत सिंपल है, आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। इस पे बेस्ड कुछ इंटरनल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी रहेंगे, तो उनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग उसको कमेंट करेंगे, पूछेंगे, तो ज़रूर वो वीडियो आपको, उसका सॉल्यूशन आपको बना के दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ होते हैं, उसको कैसे लगाएंगे हम लोग। तो जैसे क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q+1 आर 6Q+3 आर 6Q+5। तो इसमें हमको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बस ये ध्यान रखना है, फॉर्म ध्यान रखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और फोकस करना है बी पे। जैसे 6Q+1 है तो डिवाइजर क्या लेंगे? 6 लेंगे। 3Q+1 आएगा, डिवाइजर क्या लेंगे? 3 लेंगे। 2Q+1 आएगा, डिवाइजर क्या लेंगे? 2 लेंगे। 5Q+1 आएगा, डिवाइजर क्या लेंगे? 5 लेंगे। 4Q+1 आएगा, तो डिवाइजर क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो इसके हिसाब से हम लोग आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। तो अब जैसे कि हमें 6Q+1 का दिखाना है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या जानते हैं? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर बड़ा होगा 0 के या तो बराबर होगा 0 के, और बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या लेंगे? 6 लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नंबर क्या हो जाएगी? 6Q+r, और रिमाइंडर क्या आएगा? 6 से छोटा आएगा। तो यानी कि क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बस हर स्टेप में हम लोग रिमाइंडर रखते जाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू 6Q+0 यानी 6Q, इवन नंबर है। 1 रखेंगे तो 6Q+1 मिलेगा, ऑड नंबर है। 2 रखेंगे तो 6Q+2 इवन नंबर है। 3 पे 6Q+3 ऑड नंबर है। 4 रखेंगे तो 6Q+4 इवन नंबर है। 5 पे 6Q+5 ऑड नंबर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जितने भी ऑड नंबर हैं वो किस फॉर्म के हैं? 6Q+1, 6Q+3 एंड 6Q+5। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन से जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 फॉर्म का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, इसको ध्यान से एक बार कर लेंगे तो ज़रूर आ जाएगा। और इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें हम ये शो करेंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m आर 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो सेम वही प्रोसेस करना है, 3m फॉर्म का है तो हम लोग क्या लेंगे? डिवाइजर 3 लेंगे। तो लेट नंबर क्या है? हुई नंबर 3 से डिवाइड हो रही है, तो रिमाइंडर आ रहा है, क्वेश्चन क्यू आ रहा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से नंबर ए क्या हो जाएगी? 3Q+r, जहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? 0, 1, 2। अब रिमाइंडर 0 रखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3Q+0 यानी कि 3Q। लेकिन हमें स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए इसका। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9Q² आएगा। अब यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, जब 3 कॉमन ले लिया गया तो 3 × 3Q² बचा। अब 3Q² को एम एज्यूम कर लो, तो एम इज इक्वल टू 3Q² क्या है? एक इंटीजर है, ऐसा हम लोग हमेशा एज्यूम कर लेंगे। अब फिर आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे, रिमाइंडर 1 रखने पे क्या आएगा? ए इज इक्वल टू 3Q+1 आएगा। लेकिन फाइंड करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करिए।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू। तो अब यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू को एक साथ रख लेंगे ताकि 3 कॉमन ले सकें, तो हमने इसको साथ में रख लिया और 1 को लास्ट में कर दिया, तो 3 कॉमन लिए तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 आ गया। अब 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को हम लोग एम मान लेंगे, तो 3 एम प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे एम इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर क्या है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है एक इंटीजर। अब रिमाइंडर आर इक्वल टू पुट करने पे ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 आएगा, तो ए स्क्वायर क्या होगा, 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और 4 को 3 प्लस 1 लिख देंगे, तो पहले के तीन स्टेप तीन टर्म में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिए, तो 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 आ गया। अब इसको पूरी वैल्यू को हम लोग एज्यूम कर लेंगे m, तो m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 क्या है, एक इंटीजर है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का आ गया, 3m फॉर्म का है या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म का है। हमने स्क्वायर का कर लिया है, अब क्यूब वाला करना है, तो क्यूब वाले में भी वही चीज़ होगी, बस यहाँ पे क्यूब करना होगा। तो क्वेश्चन है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ पे देखिए 9 जब होता है तो 9 काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि इसके रिमाइंडर हम लोग क्योंकि इसका रिमाइंडर जब लाएंगे तो 0 से लेके 8 तक आएगा, बहुत लंबा होगा, तो इसलिए जब 9 आता है तो हम लोग हमेशा डिवाइजर क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो लेट द नंबर इज ए डिवाइडेड बाई 3, गिव क्वेश्चन क्यू एंड रिमाइंडर आर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2। अब वही चीज़ जैसे करते आए हैं, इफ़ वी पुट आर इज इक्वल टू 0 तो ए क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 0 यानी कि 3 क्यू, लेकिन हमें क्यूब चाहिए तो ए क्यूब कर देंगे 3 क्यू का होल क्यूब, तो 27 क्यू क्यूब आ गया। हमें 9m फॉर्म लेना है तो 9 कॉमन लिए, 3 क्यू क्यूब को m मान लिए, तो 9m हो गया, जहाँ पे m इक्वल टू 3 क्यू क्यूब क्या है, एक इंटीजर है। अब फिर r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, इसका क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब सबको मालूम है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 को सबसे लास्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पे 27 क्यू क्यूब और 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 में इसमें 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लिए, तो 3 क्यू क्यूब प्लस 9 क्यू प्लस क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1, यानी इसमें हम m मान लिए किसको, जो बीच का पार्ट है, कॉमन पार्ट है, तो ये भी 9m प्लस 1 फॉर्म हो गया, जहाँ पे m क्या है, एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 3 क्यू क्यूब प्लस क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1 है। अब अगेन r इक्वल 2 पुट करेंगे, तो नंबर a क्या आएगा, 3 क्यू प्लस 2, इसका भी क्यूब कर देंगे आराम से, तो a प्लस बी होल क्यूब ब्रेक करेंगे, तो 8 को सबसे लास्ट में कर देंगे, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 18 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 2 प्लस 8। अब 8 के अलावा जो दोनों नंबर में कॉमन है 9, 9 कॉमन लेने के बाद 3 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 2 बच गया, इसको m मान लेंगे, तो फॉर्म क्या हो गया, 9m प्लस 8 का हो गया, यहाँ पे m क्या है, इंटीजर है। हमेशा हम जो भी q वाला टर्म वाला नंबर होगा उसको m एज्यूम कर लेंगे, जो भी एक इंटीजर में आएगा। तो हमने प्रूव कर लिया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये देखिए जो स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन था और ये जो क्यूब वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत हो बताइए, इसको आपको फिर से बताया जाएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है कि वो इरेशनल नंबर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, RS अग्रवाल बुक से, NCERT से, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसको पूछिए, व्हाट्सएप पे, मैसेज से, फ़ोन पे, आपकी हेल्प की जाएगी। आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू, बाय।